Hello and welcome to Knowledge TV. My dear students, in this video we will discuss history's topic number 9, class 8, Women, Caste and Reform. वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति और सुधार. हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आजकल मिडिल क्लास परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती भी है. On growing up, many of them go to college and universities and take up jobs after that. बड़ी होने पर बहुत सारी गर्ल्स कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है. And according to law of India, they can marry anyone they like from any caste and community, and even widows can remarry. हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से इंडियन गर्ल्स बड़ी होने पर, एडल्ट होने पर अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है, जो कि चाहे किसी भी कास्ट का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, और यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है. ऑल वुमन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है. ऑफकोर्स These rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husbands. बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती. गरीबों को शिक्षा के मौके काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं, या किसी किसी के तो ये मौके मिल भी नहीं पाते. बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपने इच्छानुसार अपना हस्बैंड भी नहीं चुन सकती. 200 ईयर्स अगो थिंग्स वेर वेरी डिफरेंट. 200 साल पहले हालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. मोस्ट चिल्ड्रन वेर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. उस वक्त ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वेर प्रेस्ड इफ दे choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. हिंदू और मुसलमान लोग, दोनों धर्मों के पुरुष, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे. देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि अपने पति के मरने पर अपने पति की चिता के साथ ही उसे जिंदा जलना होगा. ऐसा करना अच्छा माना जाता था. इसे सती प्रथा का नाम दिया गया था. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous woman. तो कुछ इस तरह से स्वेच्छा से, यानी कि अपनी खुद की मर्जी से, जबरदस्ती खुद की मर्जी से या फोर्सफुली मार दी गई महिलाओं को सती कहकर सम्मानित किया जाता था. सती का अर्थ है अच्छी महिला, सदाचारी महिला. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. शिक्षा तक महिलाओं की ज़्यादातर कोई पहुंच नहीं थी. देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी ही विधवा बन जाएगी. तो बेसिकली हमारे लोगों की महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच थी. Difference between men and women were not the only ones in society. समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था. ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे. In most places, in most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper castes. तो लोग जातियों में इस वक्त बटे हुए थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को अपर कास्ट यानी ऊंची जाति का मानते थे. Others such as traders and money lenders, often referred to as vaishyas, were placed after them. इनके बाद हम देखते हैं ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी और मनी लेंडर्स यानी कि साहूकार लोग, जिन्हें ज़्यादातर वैश्यास कहा जाता था. कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बाद आते थे. Then came peasants and artisans such as weavers and potters, referred to as shudras. इनके बाद काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे लोग आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। एट द लोवेस्ट स्टेप ऑफ द कास्ट सिस्टम और at the below point of the caste system there were those laborers who keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is it could lead to the loss of caste status। तो basically caste system के सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित काम समझते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दिस ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। अपर कास्ट के लोग, जो लोग साफ सफाई का काम करते थे, उनको अछूत मानते थे, यानी कि अनटचेबल मानते थे। और जैसा कि हमने सिविक्स में पढ़ा है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम मानता है। आर्टिकल 7(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो दीज पीपल्स वेर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू टेम्पल्स, draw water from the wells used by upper caste or bath in ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings। तो बेसिकली इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने तक की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं ऐसा कब और कैसे हुआ। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, परिवर्तन या बदलाव की दिशा में उठते कदम। From the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि कम्युनिकेशन के नए साधन अब उपलब्ध हो गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पैम्पलेट्स वेर प्रिंटेड। देश में पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इनकी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक थी। दिस थिंग्स वेर वेरी चीपर एंड मोर एक्सेसिबल to the peoples than the manuscripts you have studied in class 7. Therefore, ordinary people could read this and many of them could also write and express their ideas in their own languages। और इसलिए आम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते थे और उनमें से बहुत सारी अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। All kinds of issues, social, political, economic and religious could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities। तो जो नए शहर हमारे देश में बसे थे, उन्हें उनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच और कभी कभी तो महिलाओं के बीच में भी चर्चाएं होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन का जरिया बन सकती थी। So the discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups। One such reformer was Raja Ram Mohan Roy। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे। Raja Ram Mohan Roy founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj in Calcutta। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। People such as Raja Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. तो राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि समाज में सुधारणाओं की ज़रूरत है और जो बुरी प्रथा परंपराएं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि इन चेंजेस को लाने के लिए, इन परिवर्तनों को लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया तरीका, जीवन जीने का नया तरीका अपनाने के लिए तैयार हो। Raja Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. Raja Ram Mohan Roy देश में उन विचारकों में सबसे प्रमुख थे जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे देश में, और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. उनकी राइटिंग्स में आप देख सकते हो कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है और उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रह पाती है, और उनके वक्त उनको घर से बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी और राजा राम मोहन रॉय के वक्त महिलाओं को घर से बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा हुआ है। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। In his writings, Raja Ram Mohan Roy discussed the problems of widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, और राजा राम मोहन रॉय ने विधवा औरतों को अपने जिंदगी में भारी कष्टों का सामना कैसे करना पड़ता था, इस बारे में अपने राइटिंग्स में लिखा भी है। Raja Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. तो बहुत सारी languages का ज्ञान राजा राम मोहन रॉय के पास था। इनमें शामिल थी संस्कृत, फारसी और अन्य कई सारी भारतीय और यूरोपीय भाषा। इन सारी भाषाओं के वे अच्छे ज्ञाता थे। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है। As you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Raja Ram Mohan Roy, who was reputed to be a learned man. In 1829, sati was banned. तो जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक, यानी कि शुरुआत तक, बहुत सारे अंग्रेज अफसर भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना, यानी कि क्रिटिसिज्म करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक स्कॉलर, यानी कि एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा थी, समाज में मान सम्मान उनको था, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1829 में सती प्रथा पर बंदी ला दी गई, सती प्रथा को बैन कर दिया गया। ये राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों का ही फल था कि 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा बंद की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। इन 1829 सती वॉज बैंड। The strategy adopted by Raja Ram Mohan Roy was used by later reformers as well. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred texts that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against in early tradition. तो बाद में हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय की जो स्ट्रैटेजी थी उसको बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने भी अपनाया था। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वो दलीलें देते थे कि संबंधित जो वर्तमान रीति रिवाज और प्रारंभिक परंपरा है वो कैसे गलत है और हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है इसकी इजाज़त नहीं देते कि ये प्रथा परंपरा हम चालू रखें। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, यानी कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। Raja Ram Mohan Roy published many pamphlets to spread his ideas. Some of these were written as a dialogue between the advocate and critic of a traditional practice. Here is one such dialogue on sati. राजा राम मोहन रॉय अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पैम्पलेट्स यानी कि पर्चे लिखते थे। इनमें से कुछ पर्चे यानी कि पैम्पलेट्स किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एडवोकेट ऑफ सती, सती के समर्थक। वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग, तो सती प्रथा के समर्थक बोलते थे औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती है। विदाउट रिजोल्यूशन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि औरतें बिना दृढ़ संकल्प वाली होती है, जो भरोसे के योग्य नहीं होती, जो भरोसे के लायक नहीं होती। ऐसा मानना था सती समर्थक यानी एडवोकेट ऑफ सती का। सती प्रथा के समर्थक आगे बोलते हैं, मेनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स बिकम desirous of accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, in burning them, we first tie them down to the pile. सती प्रथा के समर्थक बोलते हैं, उनमें से बहुत सारी औरतें खुद ही अपने पति के साथ मृत्यु के बाद उसके साथ जीने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से बाहर न भाग निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल। ओपोनेंट ऑफ सती, सती प्रथा के विरोधक जो है, इनका इस पर क्या कहना है देखते हैं। ओपोनेंट ऑफ सती सेज, व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी। सती प्रथा के विरोधक बोलते हैं, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही कब दिया है। How then can you accuse them of want of understanding if after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him? We may consider him as deficient, but if you do not educate women, how can you see them as inferior? तो बेसिकली सती प्रथा के विरोधक बोलते हैं, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया, फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाता हो तो उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। तो इस तरह राजा राम मोहन रॉय अपने पॉजिटिव विचारों को समाज के सामने अपने पैम्पलेट्स के थ्रू कैसे रखते थे, ये आपने देख लिया। सो वी वर डिस्कसिंग हाउ द स्ट्रैटेजी adopted by Rajaram Mohan Roy was used later by other reformers also. For example, one of the most famous reformers, Ishwarchandra Vidyasagar, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. तो हम देख रहे थे कि कैसे राजा राम मोहन रॉय की स्ट्रैटेजी को दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी यूज़ करना चालू किया था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मर समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने एंशियंट टेक्स्ट यानी कि प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर ये बताने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथ भी विधवाओं के पुनर्विवाह की परमिशन देते हैं, और उनकी वजह से 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पारित किया जिसकी वजह से विधवाओं को फिर से मैरिज करने की परमिशन मिल गई। पर उस वक्त के लोग बहुत ज़्यादा विचित्र थे। उन्होंने विद्यासागर जी का विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक कर दिया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने भी विधवा विवाह का यानी कि विडो रीमैरिज का समर्थन किया था। एट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेंड लो, दोज हु मैरिड वेर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जाने लगती है। आपको ये सुनकर लगता होगा कि मतलब इसमें कौन सी स्पेशल बात है, बट बात 200 साल पहले की हो रही है, जब लड़कियों का स्कूल में जाना बहुत मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था। तो ये चीज़ बहुत स्पेशल है कि गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल यानी कि लड़कियां स्कूल जाने लग जाती है। Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत सारे रिफॉर्मर्स को यानी कि सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों का स्कूल जाना, लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। When the first schools were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. 19वीं सदी के बीच में जब इस तरह के बहुत सारे प्रारंभिक स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। People basically feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. तो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public places. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. तो उस वक्त के लोगों की मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से, पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके लिबरल विचारों वाले, पॉजिटिव विचारों वाले पतियों ने या फिर उनके पिता ने पढ़ाया, वो भी घर पे। समटाइम्स वुमन टॉट देमसेल्व्स। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट रश सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्नड टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राश सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लाइट में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीख लिया था। In the later part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है, कभी इन पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, वुमन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। दे वेर टॉट बाई वुमन हु केम होम टू टीच। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रिटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वुमन राइट अबाउट वुमन, वुमन राइट अबाउट वुमन, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, महिलाएं महिलाओं के बारे में लिखने लगी। वुमन राइट अबाउट वुमन। From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting educating among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Ruqayya Sakhawat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो बेसिकली 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की थी। जैसे भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। शी आर्ग्यूड दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इनफेरियर प्लेस टू वुमन। By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stri Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ डॉक्टर्स बनी और कुछ टीचर्स बनी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। पूना में अपने खुद के घर पर रहकर टीचिंग करने वाली, लर्निंग करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक जो डिफरेंसेस है उसका क्रिटिसिज्म उन्होंने बड़े पैमाने पर किया था। याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की लिखी हुई किताब है। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमन। पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान थी जिन्होंने हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स और वीमेन से रिलेटिव्स। Women were trained so that they could support themselves economically. तो इन विधवा गृहों में यानी कि विडो हाउसेस में महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो सेल्फ रिलायंट बन सकती थी, अपनी रोजी रोटी खुद चला सकती थी। Needless to say, all this more than alarmed the orthodox. अब जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी लोग काफ़ी नाराज़ हुए, वो काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। For example, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. जैसा कि आपने देखा 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए, रिफॉर्म्स के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन तक बनाना चालू किया। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose give their support to demands for greater equality and freedom for women. 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता, मोर फ्रीडम और इक्वालिटी यानी कि समानता के मांगों का समर्थन किया था. Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को प्रॉमिस किया कि स्वतंत्रता मिलने के बाद उनको भी मेल्स की तरह वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा. As we know that in this era, many people, including women itself, were writing about their own rights and their freedom. The impact of these writings and the organizations of women at the time was reform movement was gained strength. Some people challenged bad habits and bad customs at that time, such like the child marriage. जैसा कि हम सबको पता है, उस वक्त कुछ लोग और महिलाएं खुद महिलाओं के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में, उनके इक्वालिटी के बारे में बात करती थी. तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लॉज वगैरह उस वक्त बने, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज खिलाफ के लिए भी एक लॉ बना था जो चाइल्ड मैरिज का विरोध करता था. देयर वेर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज. हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु यानी कि बाल विवाह को बैन करने के लिए कानून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया. In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier laws had seen. इस कानून के बारे में वैसी कड़वे बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुआ करते थे. मतलब कि इस लॉ को पास करने के लिए ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आई. According to this act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry. Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी. बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई. फिगर नंबर 8, ब्राइड एट द एज ऑफ 8. फिगर नंबर 8 में आप 8 साल की एक दुल्हन की शादी होती देख सकते हो. Figure number 8. This is a picture of a child bride at the beginning of the 20th century. Did you know that even today over 20% of girls in India are married below the age of 18? तो फिगर नंबर 8 में आप देख सकते हो, ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है. क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही की जाती है. कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. जितने भी समाज सुधारकों के बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि कास्ट सिस्टम या कास्ट इनइक्वालिटी जो है, जातीय असमानता, उसके विरोधी थे. राजा राम मोहन रॉय उनमें से एक थे. राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट. तो राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था. द प्रार्थना समाज वॉज बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट्स. प्रार्थना समाज सभी जातियों की एकता पर ध्यान देता था. इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट. 1840 में बॉम्बे में यानी कि आज के मुंबई में परमहंस मंडली नाम की एक सभा का गठन हुआ था जिसका उद्देश्य कास्ट का अबोलिशन था यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन. मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वेर पीपल ऑफ अपर कास्ट्स. ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच. In an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. तो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऊंची जातियों के लोग थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट करना चाहते थे. गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से वो निजात पा सके, वो छूट पा सके. तो बेसिकली जाति प्रथा जैसे किसी भी सिस्टम में या जाति प्रथा में ये लोग बिलीव नहीं करते थे और जाति प्रथा को ये जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे. There were also others who questioned the injustices of the caste social order. तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जाति प्रथा में जो बुराइयाँ थी, जो इनइक्वालिटी थी, इनजस्टिस था, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते थे. At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. You have read about the expansion of cities in chapter number 6. तो ये वो समय था जब बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे थे. नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी. चैप्टर नंबर 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं. थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड. कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी उस वक्त. At that time in the cities, drains had to be dug, roads had to be made, buildings must be constructed and cities were going to be cleaned. तो उस वक्त शहरों में नाली बनाई जाने वाली थी, सड़कें बिछने वाली थी, इमारतों का बिल्डिंग्स का निर्माण होने वाला था और शहरों को साफ किया जाने वाला था. इसके लिए for this required coolies, diggers, carriers, bricklayers, savage cleaners, sweepers, रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा वेर नीडेड. तो इस चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी. फॉर एग्जांपल सामान ढोने वाले रेलवे के जो कर्मचारी होते, कूली जो होते, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईट बनाने वाले, नालियाँ साफ़ करने वाले, सफाई कर्मी, क्लीनर्स वगैरह, इन सब की, रिक्शा खींचने वाले की वगैरह ज़रूरत आ पड़ी थी. एंड फ्रॉम Where did this labor come from? The poor from the villages and small towns, many of them from low castes, began moving to the cities where there was a new demand for labor. जाहिर सी बात है ये सारे लोग गांव से शहरों में आकर काम करने वाले थे क्योंकि शहरों में इन सारे कामों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और अक्सर ऐसे काम करने वाले लोग गांव में बिलीव करते, गांव में रहते, तो वो शहरों की तरफ जाने लगे. Many of these people were belong from low castes, so this is an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. तो शहरों में जाने वाले बहुत सारे लोग निम्न जातियों के भी थे. कुछ लोग मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे स्थानों पे बागानों में काम करने यानी गार्डनिंग का काम करने भी चले गए. नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठिन होता था लेकिन निचली जातियों के लोगों को ये गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक बेहतरीन मौका था. तो जैसा कि हम सब जानते हैं लो कास्ट के लोगों को उसको बहुत सारी दिक्कतों का गांव में सामना करना पड़ता था. उनका जीवन गांव में बहुत ज़्यादा दमनकारी और अपमानकारी था. तो शहरों में जाना एक प्रकार से उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वहाँ पे उस लेवल का अपमान, उस लेवल का दमनकारी जीवन उन्हें शायद ना बिताना पड़े. कंपैरेटिवली शहरों में जीवन जीना इनके लिए ज़्यादा आसान था. हु कुड प्रोड्यूस शूज़. जूते कौन बना सकता है. Leather workers have been traditionally held in contempt since they work with dead animals which are seen as dirty and polluting. चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है. During the First World War, however, there was a huge demand for shoes for the armies. Caste prejudice against leather work meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes, so they could ask for high prices and gain impressive profits. पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे. लिहाजा वे ज़्यादा कीमत मांगने लगे और उन्हें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट इसका हुआ, बहुत ज़्यादा लाभ इसका हुआ था. वर्ल्ड वॉर के वक्त उन्होंने बहुत सारे जूते बेचकर पैसे कमाए थे. फिगर नंबर 10 मदिगास मेकिंग शूज 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश। फिगर नंबर 10 में आप देख सकते हो जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी का चित्र है। ये लोकेशन है आंध्र प्रदेश। Who were Madigas? Madigas were an important untouchable caste of present day आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश की एक कास्ट थी जिसे अछूत यानी कि अनटचेबल माना जाता था। दीज पीपल वेर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग शूज बाय द लीदर ऑफ एनिमल्स, डेड एनिमल्स स्पेशली। देयर वेर अदर जॉब्स टू। The army, for example, offered opportunities a number of Mahar people who were regarded as untouchable. These people found jobs in the Mahar regiment. The father of B. R. Ambedkar, the leader of the Dalit movement, taught at an army school. तो बहुत सारे jobs provide तो इस वक्त बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे थे। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता B. R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी In 1829, untouchables were not allowed into even government schools. When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught. No place inside the classroom का मतलब होता है जिन्हें कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यानी कि जिन्हें क्लासरूम में नहीं आने दिया जाता था। तो 1829 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स यानी अछूतों को सरकारी स्कूलों में भी प्रवेश नहीं मिलता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर वरांडा में बैठकर लर्निंग की अनुमति दे दी थी ताकि वे क्लासरूम के कमरे को दूषित यानी कि पॉल्यूट ना कर सके, जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो कुछ इस तरह की नेगेटिविटी उस वक्त के समाज में भरी पड़ी थी। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग उस वक्त समाज में थी। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय की मांग। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट्स बिगैन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। 19वीं सदी के सेकेंड हाफ यानी दूसरे हिस्से तक हम देखते हैं नॉन ब्राह्मीण लोग भी जातियों के भीतर जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमॉन्ग द लीडर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो उस वक्त सेंट्रल इंडिया में यानी कि मध्य भारत ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया था और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। इन प्रेजेंट डे केरला अ गुरु फ्रॉम इझावा कास्ट श्री नारायण गुरु proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. According to him, all humankind belonged to the same caste. One of his famous statements was "Oru jati, oru matam, oru daivam manushanu." This means one caste, one religion, one God for humankind. तो बेसिकली आज के केरल में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया था। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन ये था ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको याद कर लेना। ऑल दिस सेक्ट्स वेर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मीण कास्ट एंड वर्कड अमॉन्ग देम। दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate castes. इन सभी सेक्ट्स यानी कि पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया था जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate castes. Gulamgiri by Jyotirao Phule. One of the most vocal amongst the low caste leaders was Jyotirao Phule. निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। It means he was so influential at that time. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. 1827 में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था और उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। ऑन ग्रोविंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सोसाइटी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने ओपिनियन अपने विचार व्यक्त किए थे। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम्स दैट दे वेर सुपेरियर टू अदर्स सिंस दे वेर आर्यंस। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला था कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वेर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफिटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस। तो फुले का कहना था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी की इस देश के असली जो वारिस है आर्यों के जो आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासी है इनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। एज द आर्यंस इस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस दे बिगैन लुकिंग एट द डिफिटेड पॉपुलेशन एज इनफेरियर। तो जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे थे। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट। तो फुले के अनुसार जो अपर कास्ट थे ऊंची जाति के लोग थे उनका यहाँ की जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देशी लोगों की है, उनके अनुसार लो कास्ट लोगों की है। फुले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। फुले का दावा था कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्णयुग था, गोल्डन एज था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा यहाँ के लैंड पर जस्टिस के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास यानी कि लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्रास मीन्स अनटचेबल्स शुड यूनाइट चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपगेटेड कास्ट इक्वालिटी। उन्होंने प्रपोज किया यानी कि उनका सुझाव था कि शूद्र यानी कि श्रमक जाति या लेबर कास्ट एंड अति शूद्रास यानी कि अनटचेबल्स को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए एक होना चाहिए। फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी जिन्होंने कास्ट इक्वालिटी यानी कि जातीय समानता का समर्थन किया था। मी हेयर एंड यू ओवर देयर सोर्स 3 मैं यहाँ और तुम वहाँ। Phule was against the anti-colonial nationalism that was preached by upper caste leaders. In his writing, Phule writes, फुले ने अपर कास्ट के जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म था यानी कि उच्च जातियों का उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अपने राइटिंग्स में वे लिखते हैं द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द सोर्ड ऑफ देयर रिलीजन विच हैज कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग एज ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ द कंट्री। ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वो तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। They give this advice to our Shudra, Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarrelling amongst ourselves about the divisions between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes, and then it will be me here and you over there again. तो फुले लिखते हैं कि वे यानी ब्राह्मण्स हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं, ये एडवाइस देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये एकता उन्हीं के प्रॉफिट में है, इससे उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा होगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तो ज्योतिराव फुले की जो राइटिंग्स है ये ली गई है। ज्योतिराव फुले की एक बुक शेतकऱ्याचा आसूड मराठी बुक है, उसमें से राइटिंग्स ली है। ज्योतिराव फुले ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उनमें शामिल थी गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड एंड सो ऑन। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. ये किताब लिखने से कुछ 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा जो है वो खत्म कर दी गई थी। महात्मा फुले dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. तो फुले ने ये जो अपनी गुलामगिरी नाम की पुस्तक है वो अमेरिकियों को समर्पित की थी, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो कुछ इस तरह उन्होंने भारत की लो कास्ट यानी कि निम्न जातियों और अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स की दुर्दशा को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की थी। As this example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी यानी सभी प्रकार की इनइक्वालिटीज़ के साथ जोड़ दिया था। He was concerned about the plight of upper caste women. तो उच्च जाति के महिलाओं की जो दुर्दशा थी, प्लाइट थी, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में वे गहरे तौर पर चिंतित थे। He was very concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low castes. This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B. R. Ambedkar in Western India and E. V. Ramasamy Naicker in the South. जाति सुधार यानी कि कास्ट रिफॉर्म्स का ये मूवमेंट, ये आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ई वी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में आगे चलता रहा। हु कुड एंटर टेम्पल्स, आखिर मंदिरों में कौन जा सकता था या किसको प्रवेश की सम्मति थी। Dr. B.R. Ambedkar was born into a Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव क्या होता है। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used. जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में जाते थे तब उन्हें कक्षा के बाहर यानी कि क्लासरूम के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल से पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज़। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्ररी सोसाइटी। जैसे ही अंबेडकर की स्कूल की पढ़ाई पूरी होती है उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिलती है। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने उस वक्त के समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा था। बेसिकली उस वक्त अपर कास्ट की जो पावर थी इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा था। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. Brahman priests were outraged when the Dalits used water फ्रॉम द टेम्पल टैंक। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंबेडकर लेड 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. 1927 से लेकर 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह यानी कि कास्ट प्रेजुडाइस की जकड़ कितनी मजबूत है। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी कि गैर ब्राह्मण आंदोलन, ये आंदोलन ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाता है जो ब्राह्मण्स नहीं थे। इन द अर्ली 20th century द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। 20वीं सदी की शुरुआत में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ था। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय दोज हु हैज एक्सेस ऑफ एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वेर हेयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कन्कवर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजिनस द्रविडियन रेसेस। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। तो इन लोगों का कहना था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी है, जो देसी लोग हैं, जो द्रविड़ नस्लें हैं, इनको हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की है, यानी कि साउथ इंडिया पर विजय हासिल की है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। ई. वी. रामास्वामी नायकर और पेरियार, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध है, ईवी रामास्वामी नायकर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ही हैड बीन एन एसेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। अपने शुरुआती जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस ओनली टू लिव इट इन disgust when he found that at a feast organized by nationalist, seating arrangements followed caste distinctions, that is the lower castes were made to sit at a distance from the upper castes. तो बाद में वो कांग्रेस के सदस्य बने थे, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी थी। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the Self Respect Movement. पेरियार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरुआत किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत पेरियार ने की थी, याद रखो। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God-given. Untouchables had to free themselves, therefore, from all religions in order to achieve social equality. पेरियार का मानना था कि सभी धार्मिक नेता और धार्मिक जो लीडर्स होते हैं, सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, यानी कि जो भी सोशल इक्वालिटी है उसको ईश्वर ने बनाई हुई व्यवस्था मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and Ramayana itself. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower castes and the domination of men over women. पेरियार हिंदू वेद पुराणों के भी कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु के वो बहुत ज़्यादा बड़े आलोचक थे। उन्होंने भगवद गीता और रामायण की भी आलोचना की थी। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन टेक्स्ट का, इन प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया है। The upper caste people did not like all this writing and speeches. Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabha and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like Brahman Sabha in Bengal. तो बेसिकली हिंदू रूढ़िवादी जो लोग थे, अपर कास्ट के जो लोग थे, उनको पेरियार जैसे विचारकों के विचार बिल्कुल रास नहीं आए। उन्होंने उनका विरोध, सख्ती से विरोध करना चालू किया था। इसके लिए ब्राह्मण सभा जैसे संगठन बनाए गए थे। The object or the goal of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures. इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times. तो आखिर में इस टेक्स्ट के ये बताया गया है कि कास्ट सिस्टम पर बहसें उस वक्त यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होती थी और ये आज भी जारी है।